हेलो दोस्तों राज हलवाई रेसिपीज में आप सभी का स्वागत है अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ऑन कर लीजिए चलिए हम शुरू करते हैं हेलो दोस्तों राज हलवाई रेसिपी में आज हम बनाएंगे सिर्फ एक लीटर दूध से पेड़े तो पेड़े स्वादिष्ट कैसे बन सकते हैं किस तरह हम बना सकते हैं हम आज आपको बना के दिखाते हैं आप भी अपने घर में बना सकते हो तो गैस का फ्लेम तेज करके हमने कड़ाही रखा है और कढ़ाई में हमने एक लीटर दूध जो है मोफेलो मिल्क ऐड किया है दूध हमारा फुल फैट है उसके बाद में हम इसको इस तरह हिलाते रहेंगे और उबाला दे देंगे दूध को पहले हम उबाला दे देंगे दूध थोड़ा थोड़ा सा हमारा गर्म हो चुका है तो इस गरम दूध में ही हम दूध में शुगर पहले ऐड कर करने से शुगर हमारा है कि दूध हमारा नीचे ग्राम हमने ऐड किया इसलिए हमने शुगर पहले ऐड कर दिया है अब इसको हम उबाला दे देंगे पहले तो दूध हमारा उबल चुका है इस तरह जो है हम हिलाते रहेंगे और इस तरह हम इसको धिक करते रहेंगे इसको कम से कम पंद्रह मिनट लग जाता है भट्टी का फ्लेम तेज रखेंगे और इसको साइड से जो हमारी मलाई जम जाती है इसको निकालते रहते हैं बिल्कुल बीच में करते रहते हैं और इस तरह हिलाते रहेंगे उसके बाद में हमने थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड किया है स्वाद के लिए इलायची पाउडर हम बीच में दूध में ऐड करते हैं इसलिए कि ये बिल्कुल स्वादिष्ट कड़ कर कड़ के इलायची के साथ जो होता है ये बहुत स्वादिष्ट बन जाता है इस तरह हम जो है दूध को धीख कर लेंगे ये देखिए बिल्कुल हमारा दूध उबल चुका है थोड़ी देर में ये गाढ़ा हो चुका है ये रबड़ी बन जा चुकी है जिसके साइड से हम निकालते रहते हैं सब बीच में करते रहते हैं और ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होता रहता है अब जब ये गाढ़ा हो जाता है तब हम भट्टी का फ्लेम थोड़ा सा कम कर लेते हैं जबकि गाढ़ा होने से ये चिपकने लगता है तो इस भट्टी का फ्लेम हम बिल्कुल चूल्हे का फ्लेम अपने बिल्कुल कम कर लेते हैं और कम फ्लेम पे इसको हम सुखाते रहेंगे इस तरह ये जो साइड में हमारी खोया जम जाता है इसको बीच में करता करते रहते हैं और भट्टी का फ्लेम कम रखेंगे क्योंकि जब ये रबड़ी हो जाती है खोया बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है तो ये चिपकना शुरू कर देता है इसलिए हमने बिल्कुल ये कम रखा है फ्लेम उसके बाद में एक चम्मच हमने देसी घी ऐड किया है देसी घी से भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन जाता है हमारा पेड़ और स्वादिष्ट पूरा बन जाता है और घी के साथ बिल्कुल हम सुखाते रहेंगे तो ये बहुत स्वाद बन जाता है तो इस तरह हमने सुखा कर तैयार कर लिया है ये हल्का सा ब्राउन हो जाता है इसमें कोई मसाला बिल्कुल नहीं लगता है अगर आप कोई मसाला लगाओगे जैसे कोई हाइड्रो पाउडर तो ये बिल्कुल सफ़ेद तो हो जाता है लेकिन उसकी स्वाद सही नहीं रहती है इसलिए हमने कोई पाउडर नहीं लगाया है तो ये सूखा के हमने तैयार कर दिया है अब बिल्कुल ये सूख गया है जो पैन है हमारा बिल्कुल छोड़ने लगा है बिल्कुल ये सूख गया है अब हम भट्टी का फ्लेम बिल्कुल हम कम कर देंगे बिल्कुल बंद ही कर देंगे ये हमने बंद कर दिया बिल्कुल हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और इसको हम उठा के प्लेट में ऐड कर देंगे क्योंकि हमारा ये बिल्कुल खोया बन के तैयार हो गया है मिठ्ठा खोया बन के तैयार हो गया है अब ये पेड़े की अवस्था में बन चुका है इसको गोल करके क्या दिखाना है गोल करके बिल्कुल ये हाथों में आप थोड़ा सा लिए तो बिल्कुल गोल हो जाता है जिससे ये तैयार हो जाता है अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा करने के लिए हम इसको फ्रिज में रख देते हैं उसके बाद में ये हमने ठंडा होने के बाद इसको मैश कर लिया है अच्छी तरह ये देखिए बिल्कुल हमने मैश कर दिया है अब ये हम पेड़े बना देंगे पहले हमने अच्छी तरह इसको मैश कर दिया है ये देखिए बिल्कुल ये हमारा मिठ्ठा खोया मैस होकर तैयार हो गया है उसके बाद में हम इसमें इसको लंबा सा रोल जा बना लेंगे ये देखिए लंबा सा रोल हमने हाथ में ही बना लिया है और छोटे छोटे पीस में जिस शेप में छोटे बड़े आपको पेड़े बनाने हैं इस तरह आप ये बना सकते हो तो छोटे छोटे पीसेज में हम तोड़ लेंगे पहले दस ग्राम के पंद्रह ग्राम की जो पीसेज आपको बनाने हैं वैसे पीसेज में आप तोड़ लीजिए हमने सिर्फ दस दस ग्राम के तोड़े हैं उसके बाद में इसको इद... राउंड मार के गोली कर देते हैं बिल्कुल सेफ गोली कर देते हैं साफ़ सुथरी देखिए कितना सेफ साफ जो है हमारी गोली हो गई है इसमें दाने वगैरह बिल्कुल नहीं पड़ने चाहिए तो ये हमारा देखिए पेड़ बिल्कुल ये बढ़िया सा बन चुका है तो इस तरह दूसरे पेड़ भी बनाएंगे इस तरह हम राउंड मार के गोली बना देते हैं बाद में इसको हम इस अंगूठे से दबा देते हैं बिल्कुल ये फ्लाट जैसा बना देते हैं तो ये बिल्कुल इस तरह हम बनाएंगे तीसरा भी हम आपको बना के दिखाते हैं ये हमने राउंड मार के गोली कर लिया और बीच में अंगूठे से दबा देते हैं तो ये हमारे बिल्कुल पेड़े के सेब में बन जाता है तो इस तरह हम सारा बना लेंगे बना के हमने सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं अभी हमारा पेड़े बन के तैयार हो गया है इसमें थोड़ा सा पिस्ते से गार्निश कर देंगे बीच में हम पिस्ता या काजू बादाम कोई भी आप लगा सकते हो जो आपके पास है तो वो लगा सकते हो अगर ड्राई फ्रूट नहीं है तो भी हमारा पेड़े बनकर तैयार हो गया है उसके बाद में हमने ये सारा पिस्ता बादाम जो है पिस्ता बादाम या काजू कोई भी चीज़ से आप गार्निश कर सकते हो हमने पिस्ते से गार्निश कर दिया है अब हमारा ये पेड़ तैयार हैं आप भी अपने घर में इस तरह के पेड़े बिल्कुल स्वादिष्ट पेड़े हमारे बन के तैयार हैं इस तरह के पेड़े आप बना सकते हो उसके बाद में आप हमारे चैनल पर जाइए तो हलवाई की हर वीडियो आपको रसगुल्ले गुलाब जामुन बर्फ़ी सब हमारे चैनल पर अपलोड है आप वहाँ से देख सकते हो उसके बाद में हमने ये बड़ी प्लेट से थोड़े से छोटे प्लेट में जोड़ देंगे ये हमारा पेड़े देख कितना बढ़िया बन चुका है अब इसको हम छोटे प्लेट में जोड़ लेते हैं ये हमारा पेड़े देखिए बिल्कुल बढ़िया पेड़े बनके तैयार है आप भी बन घर में अपने बना सकते हो इस तरह एक लीटर दूध से बढ़िया पेड़े हमारे स्वादिष्ट बन सकते हैं आप भी बना सकते तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए घंटी वाला बटन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हलवाई वाली वीडियो हमारी आपके पास पहुंचती रहे थैंक यू सो मच